नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन एन एथलीट शूज एंड द ग्राउंड इज 0.90। मतलब म्यू की वैल्यू कितनी देती है, 0.9। ठीक है, सपोज ए सुपरमैन वेयर्स दिस शू एंड रेसेस फॉर 50 मीटर। मतलब एक रेस है जिसका जो डिस्टेंस है वो कितना, 50 मीटर है। ठीक है, और उसका उपाधि क्या मिला यहाँ पे, सुपरमैन। ठीक है, क्यों दिया है सुपरमैन का देखते हैं। देर इज ए नो अपर लिमिट ऑन हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग एट हाई स्पीड। मतलब हाई स्पीड कितना भी चल सकता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, है ना, इसलिए इसको सुपरमैन बोला गया। बोला क्या, फाइंड द मिनिमम टाइम दैट ही विल हैव टू टेक इन कंप्लीटिंग द 50 मीटर। 50 मीटर का जो रेस है उसमें मिनिमम टाइम कितना लगेगा, जबकि ये स्टार्ट कर रहा है किसे, रेस्ट से। तो सुपरमैन है ना, और यहाँ पे इसको मिनिमम टाइम बताना, ये जो रेस है बेटा वो कितना का है, 50 मीटर का रेस है। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी दे दी है, 0.9। तो मिनिमम टाइम बताना है। तो आप सोचो सबसे पहले यहाँ पे कि जब चलेगा तो इसको कौन चलाने वाला है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे ये सिचुएशन आपको क्लियर होना चाहिए कि इसको चलाएगा कौन। तो ऑब्वियसली जब सरफेस रफ होगा तभी ये चल पाएगा, अदरवाइज स्मूथ सरफेस पे तो चल ही नहीं पाएगा। तो इसको चला कौन रहेगा, सोचो इसको अगर एक्सेलरेट करना है, इसको अगर दौड़ना है, इसको अगर स्पीड बढ़ाना है, तो मान लीजिए अभी ये रेस्ट पे था u=0, फिर ये किसी सिचुएशन पे स्पीड बढ़ेगा, तो स्पीड इधर की तरफ बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, तो आंसर इज राइट साइड, क्योंकि स्पीड जिधर की तरफ बढ़ता है एक्सेलरेशन भी किधर होना चाहिए, उधर की तरफ ही होना चाहिए। और आप जानते हो कि जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, तो फोर्सेस लगा के देखा तो mg और n तो वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लग रहे हैं, बट एक्सेलरेशन तो किधर है, राइट साइड। तो ये राइट साइड में कौन फोर्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वही इसको दौड़ने में मदद कर रहा है। तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर ये दौड़ नहीं पाता, एक्सेलरेट नहीं कर पाता, क्लियर है, ये चल नहीं पाता। यहाँ पे सबसे पहले आपको सिचुएशन क्लियर होना चाहिए। ऐसे हम लोग को ये जनरली आदत होती है क्या, फ्रिक्शन को पीछे लगाते हैं हमेशा। जैसे कोई अगर पूछ दिया कि कोई आदमी अगर चल रहा है तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो आंसर इज फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। ये सिचुएशन क्लियर होना चाहिए, यानी कि पीछे लगेगा। ऑब्वियसली आपको सोचना चाहिए कि जब पीछे लग रहा हो तो क्या कभी ये पॉसिबल है क्या, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स पीछे लगे और वो आदमी रेस्ट पे हो और चलना स्टार्ट करे इधर की तरफ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो तो अगर राइट साइड चल रहा तो उस पर राइट साइड ही फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन। तो पहले तो ये सिचुएशन जो है आपका क्लियर होना चाहिए। तो फ्रिक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है बेटा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, जब तक कि स्कीडिंग ना हो लिमिटिंग के बराबर, और लिमिटिंग की वैल्यू कितना ले सकते हैं, म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू कितना है, 0.9 इंटू एन की वैल्यू कितना, एमजी, और 0.9 इंटू इसका मास दिया है क्या, मास नहीं दिया, चलिए ठीक, मास नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा आगे चल के। तो मैक्सिमम इतना फोर्स लग सकता है बिना स्लिपिंग किए हुए, तो आप बता सकते हो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, तो कितना से एक्सेलरेट कर सकता है मैक्स, तो FL/M। तो यहाँ पे आप लिखोगे FL की वैल्यू 0.9 इंटू एम जी डिवाइडेड बाई एम, ये कैंसिल आउट, तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा, ये जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए मैक्स की वैल्यू है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब आपको सोचो क्या बताना है,
फाइंड द मिनिमम टाइम, टाइम बताना है, मतलब आपको काइनेमेटिक्स में ले गया ये। तो फिर से वही सिचुएशन कि टोटल वेरिएबल कितने होते हैं कोई भी इक्वेशन में, चार, तो तीन पता होना चाहिए। तीन में से देखो क्या क्या आपको पता है। एक तो इनिशियल स्पीड पता है, जीरो से स्टार्ट किया, दूसरा एक्सेलरेशन पता हो गया, एंड तीसरा डिस्टेंस ये दिया हुआ है। तो चौथी क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम निकालना है, तो आप ऐसा फार्मूला तैयार करो जिसमें चारों इंटरकनेक्टेड हो। तो एस इक्वल टू कौन सा फार्मूला हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितना, 50, राइट साइड में पॉजिटिव ले रहा हूँ, है ना, इक्वल टू इनिशियली तो जीरो हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी राइट साइड होगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, 9, इंटू क्या हो गया, टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर हो जाएगा 100/9, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 10/3। तो टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10/3 मीटर पर सेकंड। तो 10/3 मीटर पर सेकंड में क्या करेगा, रेस को कंप्लीट कर लेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके स्पीड निकालने में तो वो भी निकाल सकते, एक्स्ट्रा काम कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्पीड पूछूँ कि फाइनली इसका स्पीड कितना हो जाएगा वहाँ पे, है ना, तो आप निकाल सकते हो v इक्वल टू क्या लिखोगे, u प्लस 8, u तो 0, a की वैल्यू 9, और टाइम कितना, 10/3। तो v की वैल्यू आ गई कितनी बेटा, ये 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है बेटा, आपको पता तब चलेगा जब इसको मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लूँ। किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। आप सोचो क्यों सुपरमैन इसको कहे थे, सुपरमैन का मतलब इसका स्पीड कितना भी बढ़ सकता है। तो 108 किलोमीटर पर आवर लॉ समझ सकते हो, इतना के स्पीड से तो ट्रेन भी नहीं चलती है कंटिन्यू, तो इसलिए इसको सुपरमैन कहा गया। तो पहला आंसर तो आ गया। अब दूसरा क्या बोला, सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट, ठीक है, द 50 मीटर, मतलब 10/3 सेकंड लेता है, तो व्हाट मिनिमम टाइम विल ही टेक टू स्टॉप। अब इसको रुकना भी है ऑब्वियसली, रेस कंप्लीट हो गया तो ऐसा थोड़ी जिंदगी भर दौड़ते ही रहेगा, रुकना भी चाहिए, तो मिनिमम टाइम में रुकना है इसको। तो फिर से मिनिमम टाइम में रुकना है, तो फिर से आप देखो स्पीड तो निकाल लियो बेटा कितना, ये वाला यूज कर लेता हूँ मैं ना, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसको रुकना है, तो रुकना है तो आप क्या यूज करोगे, V0, और एक्सेलरेशन तो पता ही है कितना होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना था बेटा, एक्सेलरेशन 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्ड भी कितना से करेगा, मैक्सिमम 9 से, तो मैक्सिमम रिटार्ड भी 9 से करेगा। क्यों, क्योंकि फिर से निकालोगे तो अब रिटार्डेशन के लिए क्या होगा, रुकेगा कैसे, तो रुकने के लिए फ्रिक्शन को पीछे अप्लाई करवाना होगा। तो पीछे कैसे, जैसे आप दौड़ते हो तो रुकने के लिए क्या करते हो, पैर को इस तरह से धक्का देते हो कि अब जमीन को क्या करते हो, आगे की तरफ धक्का देते हो। तो जमीन को आगे की तरफ धक्का दोगे तो जमीन तुम्हें किधर देगा धक्का, पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन अब पीछे लगवाना होगा। लेकिन जब दौड़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, जमीन को आप पीछे की तरफ धक्का दे रहे थे, जमीन को आप पीछे की तरफ धक्का दे रहे थे, तो जमीन आपको किधर धक्का दे रहा था, आगे की तरफ, इसलिए आप एक्सेलरेट कर पा रहे थे। तो यही सिचुएशन है। तो फिर से मैक्सिमम धक्का तो आप कितना दोगे, लिमिटिंग के बराबर ही दोगे ना, तो फिर से आप लिमिटिंग बाई एम ही करोगे, और लिमिटिंग बाई एम करके ऑलरेडी आप यहाँ पर निकाल चुके हो कि मैक्सिमम जितना से एक्सेलरेट कर रहा था उतना से ही मैक्सिमम क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। तो फिर से आपको तीन क्वांटिटी पता चल गया। आपको टाइम निकालना है तो आप इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लो, या आपको पता होना चाहिए सिमेट्री से कि अगर अल्फा और बीटा एक्सेलरेशन सेम होता है तो सिमेट्री से सारा कुछ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप यहाँ पे फार्मूला लगा के करना चाहते हो तो फार्मूला लगा के कर लो, प्लस यहाँ पे हालांकि क्या लिखना चाहिए, माइनस 9 इंटू क्या लिखोगे, वी क्या हो गया 30, v इक्वल टू यू प्लस 80, सॉरी v तो हो गया 0, है ना, v क्या हो गया फाइनल स्पीड, v का मतलब फाइनल स्पीड, तो v 0, और इनिशियल स्पीड कितना है बेटा 30,
राइट साइड वाला प्लस ले रहा हूँ मैं, एंड एक्सेलेशन कितना हो जाएगा माइनस 9 इंटू टी, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/9, दैट इज इक्वल टू फिर से आ जाएगा कितना 10/3 सेकेंड। और ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे आप डायरेक्ट बाई सिमेट्री लगा के लिख सकते थे, क्योंकि जितना एक्सेलेशन होगा उतना ही रिटार्डेशन होगा, तो टाइम क्या लगेगा सेम लगेगा जीरो से वी तक पहुँचने में, और वी से जीरो तक पहुँचने में टाइम क्या लगेगा सेम लगेगा, डिस्टेंस भी सेम ट्रैवल करेगा। अगर डिस्टेंस भी पूछता तो आपका आंसर कितना आता 50 मीटर, क्योंकि इनिशियली 50 मीटर तक गया था तो 50 मीटर गया था। तो ये सिचुएशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका दो पार्ट था, ये दोनों पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।